जनपद संभल के चंदोसी में बदायूं बाईपास रोड पर शाहबाद अड्डे के पास कार की चपेट में आने से बाइक सवार चाचा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को चंदोसी CHC में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी चालक कार छोड़कर फरार हो गया। चंदोसी के बेहतरी फाटक के पास कार और बाइक की भिड़ंत में चाचा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। हम आपको बताने जा रहे हैं ये पूरा मामला। जनपद संभल के चंदोसी के बेहतरी ग्राम निवासी इब्ने हसन अपने भतीजे चुबान, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है, उसको खाने का सामान दिलाने के लिए इब्ने हसन बाइक से जा रहा था। बदायूं बाईपास शाहबाद अड्डे के पास सामने से आ रही कार की चपेट में बाइक आ गई। हादसे में इब्ने हसन और शुभान दोनों घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए CHC चंदोसी में भर्ती कराया गया। वहां से चिकित्सकों ने इब्ने हसन को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे के बाद आरोपी चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। कार और बाइक के क्षतिग्रस्त होने से दोनों ओर वाहनों का जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर बीच सड़क से हटाया और जाम खुलवाया। इब्ने हसन अपने भतीजे को लेकर मार्केट जा रहे थे चीन लेने। वहाँ पर एक अचानक से बाइक और कार आई थी, तो उस दौरान टक्कर दोनों में हो गई थी। इब्ने हसन और ये बच्चा काहे पर मौजूद था, कौन से वाहन पर? ये CD100 बाइक थी, उस पर मौजूद थे। टक्कर किसने मारी? टक्कर जाइलो कार ने मारी थी। कार ने टक्कर मारी, उसके बाद फिर आप लोग? जी, हम इनके लिए एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर रहा था। एम्बुलेंस ने लेकर इनके लिए अस्पताल को रेफर कर दिया। पुलिस को खबर की? जी, पुलिस को सूचना दी, मौजूद थी, पुलिस को सूचना दी, पुलिस आ गई वहाँ। जी जी, चाचा के लिए चीज लाने गया था। अच्छा, कौन? चाचा उसको। ठीक है, तो बत्ते लौटते खनी पता नहीं क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया था उनका। हम भाग के पहुँचे, वो बाइक पे थे दोनों? जी, बाइक पे थे। किससे टक्कर, किस चीज से हुई? वैगनर गाड़ी थी। ये पता चला वैगनर में कौन लोग बैठे हुए? ये नहीं पता चला हमें। वो हैं कहाँ हैं? पता नहीं है, कोतवाली में रिपोर्ट लिखाने गए हैं। तो आपने रिपोर्ट करा दी? जी। तो एक्सीडेंट था, उसको 108 एम्बुलेंस लेकर के आई और उनको हमने रेफर किया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल संभल। संभवतः बच्चे का जो है दाहिना पैर में फ्रैक्चर था, थाई में, और जो दूसरा वाला था वो अनकॉन्शियस था।